नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, इससे पहले छठे चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम तरह की अन्य उल जुलूल बयानबाजी करती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही थी, लेकिन छठे चरण के दौरान कई जगह हिंसा की खबर निकलकर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत आपको पश्चिम बंगाल की सारी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी है तो मुमकिन है कि अवधारणा का जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर बड़े स्तर पर हिंसा की गई है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रत्याशी भारती घोष के काफिले पर हमला किया गया है। बावजूद इसके वोटिंग प्रतिशत में तनिक भी कमी देखने को नहीं मिली। और दोस्तों, बंपर वोटिंग की खबर निकलकर सामने आई है पश्चिम बंगाल से। हम आपको बता दें कि लगातार वोटिंग के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और शाम 7 बजे तक यह आंकड़ा 80% के आसपास पहुंच सकता है, जो एक बंपर वोटिंग के रूप में देखा जा सकता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी भारती घोष के काफिले पर हमला हुआ है। निर्वाचन आयोग ने इसकी रिपोर्ट तलब कर ली है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई जगह पर झड़प की खबरें निकलकर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हमले की खबर आई है, जो साफ इस बात के संकेत देता है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबरदस्त बढ़ती लोकप्रियता को लेकर पूरी तरह से बौखलाए हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी हमला किया है। दिलीप घोष पर हमला किया गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। इस बीच बिहार के अंदर चुनाव के दौरान हिंसा की खबर आई है, जहां पर फायरिंग में बीजेपी के नेता घायल हो गए हैं। भीड़ ने की है आरजेडी विधायक की पिटाई। हम आपको बता दें कि जहां पर तृणमूल कांग्रेस एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और आम मतदाताओं पर लगातार हमला करते हुए नजर आ रही है, वहीं पर दूसरी ओर बिहार के अंदर चुनाव के दौरान हिंसा की खबर आई है। एक अन्य घटना के अंदर बिहार के शिवहर लोकसभा सीट पर माधवपुर सुंदर बूथ नंबर 275 पर मतदान कर्मी को गोली लगने से मौत हो गई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पोलिंग बूथ पर तैनात होमगार्ड के जवान की बंदूक से यह गोली निकली थी। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण के तहत रविवार को वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच बिहार में हिंसा की कुछ खबरें निकलकर सामने आई है। बिहार में हिंसा की घटना महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में घटित हुई है, जहां पर रजत के विधायक के द्वारा बीजेपी नेता को गोली मारने का आरोप लगा है। भाजपा के समर्थकों के द्वारा रजत के विधायक की जमकर पिटाई की गई है। फिलहाल घायल भाजपा का नेता इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पर पुलिस ने आरोप लगाया है कि रजत के विधायक को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार जारी है। और छपरा के अंदर भी गोलीबारी जैसी बड़ी घटनाएं सामने आई है। हम आपको बता दें कि जितनी भी घटनाएं सामने आई है, उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर महागठबंधन के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मारपीट की गई है। हालांकि मारपीट के बाद उनकी भी जबरदस्त तरीके से पिटाई हुई है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दिग्गज नेता और यहां तक के प्रत्याशियों को भी परेशान किया है और उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ की है, जो साफ इस बात के संकेत देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तरीके से विपक्ष बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में बोगस वोटिंग का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है और साफ तौर पर इस बात के संकेत दे रही है कि कितनी ज्यादा आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते लोकप्रियता को लेकर बौखलाई हुई है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि बम बंदूक लेकर खड़े हैं आतंकवादी, तो क्या पहले चुनाव आयोग से इजाजत ले ले, यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष समेत चुनाव आयोग और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खात्मे को लेकर एक बयान दे दिया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के अंदर रविवार को लगातार मतदान जारी है और इस बीच दोस्तों, बंपर वोटिंग की खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से भी आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं और लगातार रैली को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के एनकाउंटर का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी बम बंदूक लेकर हमारे सामने खड़े हैं, तो हमारे जवान क्या चुनाव आयोग से इजाजत लेंगे, मैं उसको गोली मारूं या नहीं मारूं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि मतदान जब चल रहा हो तो मोदी ने आतंकवादियों को क्यों मरवाया है, आप बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सुबह पता चला है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को हमारी सेना ने मार गिराया है, अब कुछ लोग ये परेशानी में है कि मतदान चल रहा है, मोदी ने आतंकवादियों को क्यों मरवाया है। चुनाव आयोग ने भी यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़ी कर दी है। पश्चिम बंगाल के अंदर जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के एनकाउंटर को लेकर वो बम बारूद लेकर हमारे सामने खड़े हैं, तो क्या हम चुनाव आयोग से परमिशन लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा है और कहीं ना दोस्तों, विपक्ष के द्वारा जो कही जा रही है बातचीत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एयर स्ट्राइक करवाई है बालाकोट के अंदर, वो केवल और केवल चुनाव को देखकर कराया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीखा तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया है और दोस्तों, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा की
बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ प्रदर्शन के साथ नारेबाजी भी की गई है। पश्चिम बंगाल के मिद्रापुर संसदीय क्षेत्र के अंदर गोपालपुर में हिंसा की खबर आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया है। इसके बाद दिलीप घोष के काफिले को खदेड़ा गया है, जहां पर दोस्तों जबरदस्त तरीके से भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी की है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बचाते हुए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त तरीके से लाठी बरसाई गई है। इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मतदान के दौरान वोट करते हुए एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी के लोगों का कहना है कि किस तरह से यह व्यक्ति फोन लेकर इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को तोड़ता हुआ इलेक्शन में वोट देने के लिए पहुंच सकता है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी साजिश है और इस पर कोई ना कोई बड़ा कारण होना चाहिए। इसी के साथ सुल्तानपुर के अंदर मेनका गांधी और गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में झड़प हो गई है। हम आपको बता दें कि मेनका गांधी ने गठबंधन के प्रत्याशी को जबरदस्त फटकार लगाई है। हम आपको बता दें कि वोट करने के लिए पहुंची मेनका गांधी और गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में आपसी झड़प देखने को मिली है। दरअसल दोस्तों बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करवाने को लेकर मेनका गांधी बेहद ज्यादा नाराज नजर आ रही थी और उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने पीटने को लेकर गठबंधन के प्रत्याशी से पूछा था कि आपने ऐसा क्यों किया है, गुंडई क्यों की है, जिसके बाद दोनों के बीच में बहस देखने को मिली है। हम आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत यह बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर भाजपा और महागठबंधन के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आपके लिए एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर टीएमसी ने सत्ता हासिल करने के लिए हमारा इस्तेमाल किया है। दरअसल दोस्तों नंदीग्राम के पीड़ितों ने बेहद बड़ा बयान दे दिया है। 14 मार्च 2007 को भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन में हुई गोलीबारी के अंदर 14 व्यक्तियों की मौत के बाद पूरे देश के अंदर आक्रोश का माहौल था। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी और वित्तीय मुआवजा उन लोगों के परिजनों और जख्मी और मरहम लगाने में नाकाम पूरी तरह से नजर आई है। हम आपको बता दें कि 2007 के अंदर नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के हुए आंदोलन को लेकर ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी बन गई। बावजूद इसके उन सभी लोगों को किसी भी तरह का फायदा पहुंचा नहीं है। हम आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने अपनी सरकार बना ली है और नंदीग्राम के पीड़ितों के ऊपर राजनीति से की है, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। इसके बाद पीड़ितों ने साफ तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर निशाने साधे हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी की फोटोशॉप तस्वीरों के वायरल होने को लेकर बीजेपी के महिला नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरी तरह से हिटलर शाही पश्चिम बंगाल में चल रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश होने के बाद उनको जमानत मिल गई है, लेकिन पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त होता हुआ पश्चिम बंगाल की सरजमी पर नजर आ रहा है। इसी के साथ हम आपके सामने बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत बेहद बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा है कि यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो टोटी चुराते हैं। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव के लिए ये बहुत बड़ा बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि इससे पहले जब बंगला खाली कराने को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अखिलेश यादव को मजबूर किया तो अखिलेश यादव ने सरकारी घर के अंदर कई टोटियों को तोड़ दिया और यहां तक कि जितनी भी फिनिशिंग करवाई थी और पूरे घर को सजा रखा था उन सभी को तोड़कर अच्छा खासा नुकसान सरकारी माल का कर दिया, जिसके बाद योगी सरकार ने टोटी चोरी होने का आरोप लगाया और अखिलेश यादव अपने साथ टोटी भी लेकर आए। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो टोटी तक चुरा लेते हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में जोर आजमाइश कर रही है और महागठबंधन को कड़ा चुनौती दे रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप कितना सीटें महागठबंधन और कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए देखते हैं? वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। इसी के साथ एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर जवानों के सर भी कटवा दिए थे बॉर्डर के ऊपर और अब वोट काटने का काम कर रही है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत तमाम तरह के अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने को लेकर पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट कटवा बता दिया और साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही देश मजबूत हो सकता है अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं और दोस्तों मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम लिया है। तो वीडियो को उठाइए, अपने लोगों तक शेयर करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत सारी बड़ी खबरों से रूबरू करा रहे हैं। पहली बड़ी खबर में आपको बताया कि इस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर स्थिति बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है और दिन ब दिन इसको लेकर तमाम तरह की न्यूज ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकलकर सामने आने लगी है। अगर आप भी चाहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है और अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। लेकिन दोस्तों जाने से पहले इस न्यूज के बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और कितनी सीटें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए देखते हैं ये भी बताना बेहद जरूरी है। देख रहे थे आप लोग अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।